YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसे बेहतरीन शेयर जिसे आप गिरावट में बाय कर सकते हैं। ये पांच बेहतरीन शेयर में सबसे जो पहला शेयर है वो है HDFC AMC, आप इसे बाय कर सकते हैं। देखिए जितना भी डिप पे मिले आप इसको डिप में बाय कीजिए। देखिए ये एक लीडिंग AMC कंपनी है, साथ ही साथ HDFC ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है काफी सॉलिड है और ये कंपनी जो है मुख्य रूप से एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब एसेट को मैनेज करती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली कंपनी है। काफी बेहतरीन कंपनी का बिजनेस है और जो सेगमेंट है वो आने वाले समय में और ज्यादा ग्रो करेगा। तो आपको यहाँ पर जैसे गिरावट में मिल रहा है शेयर तो आपको बाय करना चाहिए, काफी डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर जो हाई लगाया है लगभग 3400 रुपए का हाई लगाया है, तो इतने सारे डिस्काउंटेड प्राइस में स्टॉक्स मिल रहा है। जितना यहाँ पर डिप में मिले आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए जो इसका मेजर ट्रेंड लाइन था ये ट्रेंड लाइन, देखिए इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये आता है तो आप इसको बाय कर लीजिए। अगर देखिए यहाँ पर आप बाय करते हैं किसी भी डिप पर तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो इसके नीचे का रखना है। देखिए डिप यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है, ये 2280 है, इसके नीचे के क्लोजिंग बेसिस आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है वो वीक चार्ट पैटर्न है। अगर ये यहाँ पर नीचे निकलता है 2435 के तो गिरावट इसमें हो सकता है। गिरावट के बाद जैसे यहाँ पर साइड पिच होता है तो वहीं पर आपको छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करना है। देखिए काफी बेहतरीन और काफी अच्छे प्राइस लेवल पे स्टॉक्स आपको मिल रहा है, तो अभी आपको इसको बाय करते रहना है डिप पर। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ये रिटेस्ट करता है फिर से और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर निकलता है, ऊपर की ओर मोमेंटम करता है तो बाय करना है। और यहाँ पर जो टारगेट रखना है सबसे पहला आपको वो है 3300 रुपये का, फिर आपको यहाँ पर जो टारगेट लेके चलना है वो 4000 का सेकेंड टारगेट। तो काफी अच्छा यहाँ पर देखिए 100% का प्रॉफिट का मतलब संभावना है अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक्स को बाय करते हैं गिरावट पे। उसके बाद जो दूसरी बेहतरीन कंपनी है जो कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिला वो है SBI कार्ड। ये भी काफी बेहतरीन बिजनेस में है, जैसे जैसे आने वाला समय है वैसे वैसे कार्ड का यूज बढ़ते जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग में, तो SBI कार्ड उसमें से काफी बेहतरीन है। इसके जो है क्रेडिट कार्ड मिलते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड और काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनी अगर कोई समय पर जो है क्रेडिट कार्ड का जो भुगतान नहीं करता है, तो देख समझ जाइए बिजनेस मॉडल काफी बेहतरीन है जो कि यूथ को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी और ये सारी कंपनियां। यहाँ पर जो इसका जो आपका स्टॉप लॉस रखना है अगर आप बाय करते हैं किसी भी डिप पर, तो यहाँ पर बाइंग जैसे करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है 860 के नीचे का। और ये स्टॉक देखिए काफी नीचे मिल रहा है, अभी भी इसका चार्ट पैटर्न वीक ही है, तो चार्ट पैटर्न तो काफी वीक है, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप हर डिप पर इसको बाय कर सकते हैं। ये इसका ट्रेंड लाइन है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो निश्चित रूप से काफी गजब का मोमेंटम दिखाएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है अभी रेसिस्टेंस का काम करता है, ये ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेक करता है कहीं पर या किसी डिप पे आपको मिलता है यहाँ पर, तो डिप पे बाय करते रहिए और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तब आपको बाय करना है। साथ ही साथ ये याद रखना है कि 860 ये स्टॉप लॉस है एक तरह से बिना बाय किए, मतलब इसके नीचे अगर चला गया तो फिर ज्यादा गिरावट हो सकती है, तो फिर हमें बाय नहीं करना है। सपोर्ट लाइन के ऊपर ही अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपको बाय करना है। देखिए हम बहुत पहले आपको ये स्टॉक्स बता रहे हैं, ब्रेकआउट होने से पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा उससे पहले, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। जितना गिरावट में मिले आप उतना गिरावट में इस स्टॉक्स को बाय करते रहिए। अगर आप इस स्टॉक्स को यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर बाय करते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट आपको लेके चलना है 1150 रुपये का। देखिए अच्छा खासा यहाँ से टारगेट आपको मिलेगा, 250 रुपये के आसपास का टारगेट मिल रहा है। फिर जो दूसरा टारगेट होगा हमारा वो 1400 रुपये का होगा, तो काफी अच्छा यहाँ से टारगेट लेवल्स है, तो आप यहाँ पर अगर बाय करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, तो गिरावट में बाय करते रहिए। फिर जो अगला स्टॉक्स है वो है कॉलगेट। देखिए कॉलगेट काफी बेहतरीन लेवल पे यहाँ पर मौजूद है और काफी अच्छा यहाँ पर इसका चार्ट भी बन रहा है। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से ये स्टॉक साइड पेज है और इसको जैसे ऊपर की ओर इस रेंज को ये ब्रेक करता है तो आप इसको बाय करते हैं। जैसे ये 1485 के ऊपर जाएगा आप इस स्टॉक्स को बाय करते हैं, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होगा वो 1400 रुपये के नीचे क्लोजिंग बेसिस आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1400 रुपये के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके चलना है और 1485 पे आप यहाँ पर इसको बाय करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका 1550 का,
फिर जो सेकेंड टारगेट आपको यहाँ पे लेके चलना है वो होगा आपको 1700 रुपए का। इसमें जो थर्ड टारगेट आपका होगा वो 1820 रुपए का होगा। तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है अगर इस रेंज को ये ब्रेक करता है तो। फिर अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो मैंने पहले भी कहा था इसको इस हर गिरावट पे बाय करना है। इस लेवल पे मैंने क्या कहा था 3200 के प्राइस पे भी बाय करने, यहाँ पर देखिए गिरावट में जितना डिप पे मिले उतना पर बाय करने बोला था। देखिए 3000 पे भी अगर आप बाय किए 3050 पे तो भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा 400 तक का यहाँ पर प्रॉफिट इस स्टॉक्स ने दे रहा होगा। आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये अगर फिर से गिरावट में मिलता है तो आपको बाय करना है। देखिए अगर ये 3400 रुपए के नीचे आ जाता है तो फिर से ये यहाँ से गिरावट दिखा सकता है ये स्टॉक्स। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे ना आकर के अगर ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है 3470 तो 3470 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है फिर इसमें आपको गजब का मोमेंटम देखने मिल सकता है। फिर ये जो है आपको नेक्स्ट लेवल जो है 3787 तक आ सकता है। तो आप उस लेवल तक इसको होल्ड कर सकते हैं, काफी अच्छा बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अब देखिए अगला जो स्टॉक्स है वो है मैरिको। देखिए मैरिको जो FMCG की कंपनियां है वो धीरे धीरे आपको रिटर्न देगा लेकिन काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली स्टॉक्स होते हैं। इसमें आपको कोई खास गिरावट देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है। देखिए 590 रुपए से ये स्टॉक्स गिर करके यहाँ 490 तक आ चुका था, अभी 499 रुपया मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये 490 तक आपको मिलता है तो यहाँ पर बाय करते ही इस स्टॉक्स को। लेकिन अगर ये 490 के नीचे चला जाता है तो फिर आपको बाय नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स काफी वीक हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा वेट करना है। देखिए जैसे ये रेंज एक बना रहा है 515 रुपये और 490 रुपये के बीच का, अगर ऊपर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये आराम से 590 रुपये तक जाएगा। स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं। तो जैसे ये ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ साइन देता है आपको या तो डीप पे इसको बाय करते रहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप अगर बाय करना चाहते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी बाय करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो आपको इस लेवल का वेट करना है। जैसे ये 515 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप इसको बाय करिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 490। और फर्स्ट टारगेट आपको रखना है 580 रुपये का, फिर जो आपको टारगेट रखना है सेकेंड टारगेट वो 600 रुपये का रखना है। तो काफी बेहतरीन यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा इस स्टॉक्स में। ये 5 स्टॉक्स थे जो कि अभी काफी सस्ते प्राइस पे उपलब्ध है। आपको ये स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी डीप पे किसी भी गिरावट में मिलता है तो निश्चित रूप से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है और काफी अच्छे प्राइस लेवल पे भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिया कि अगर उस लेवल को ब्रेक आता है तो फिर गिरावट ये काफी बड़ी हो सकती है क्योंकि स्टॉक्स पहले से ही या तो साइडवेज है या तो डाउन ट्रेंड में है। जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है उसमें गिरावट की संभावना ज्यादा होती है। जब स्टॉक्स बुलिश होता है ब्रेकआउट दे रहा होता है तो उस समय हमें काफी ज्यादा वो तेज दिखाता है वो स्टॉक्स। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कि काफी अच्छे वैल्यूएशन पे हम अच्छी कंपनियों को बाय करेंगे क्योंकि ये सारे स्टॉक्स काफी फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स हैं। तो आपको अच्छे प्राइस पे से बाय करना है और होल्ड करना है, निश्चित रूप से आपको काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।